लालू जी ने तो साफ कर दिया राहुल जी दूल्हा है हम लोग बराती, उन्होंने तो साफ साफ बता दिया है। अभी हमारी पार्टी के अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि हम कैसे किनके साथ गठबंधन करेंगे। JDU कम है, नाम के लिए JDU है, अंदर से अब RJD पूरे तौर पे ललन जी हो गए। चुनाव की तैयारी चल रही है सभी जगह, तो पार्टी के कम ही दिन हुआ है हम लोग बनाए हैं, तो हर जगह संगठन का काम चल रहा है, हर लोकसभा क्षेत्र में, हर जिला में। चुनाव जब होगा उस वक्त बताएंगे डिटेल, लेकिन अभी तैयारी चल रही है। एनडीए के साथ लड़ेंगे या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? संगठन का काम तो क्योंकि पार्टी अभी तुरंत बनी है तो सभी जगह करना ही है, हो भी रहा है। जहाँ तक चुनाव अलायंस में लड़ने की बात है, वो अभी हमारी पार्टी के अंतिम रूप से तय नहीं किया है कि हम कैसे किनके साथ गठबंधन करेंगे, अभी तय नहीं। जब तय करेंगे तब बता पाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले जब आपने 2014 में इलेक्शन लड़ा था 3 स्थानों से, तो तीनों लोकसभा क्षेत्रों से आपका विजय हासिल हुआ था, और इसके बाद जो है उस समय भाजपा के साथ इलेक्शन मिलकर के लड़ा था, इसके बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग का राज्य स्तरीय मंत्री भी आपको बनाया गया, इसके बावजूद भी पिछले चुनाव में आपने भाजपा को क्यों छोड़ा था? अब ये तो बहुत पुरानी बात है, इस सवाल का जवाब हम कितनी बार दे चुके हैं, नया सवाल पूछेगा कि पुराना सवाल। आज लखीसराय में अमित शाह जी आए थे, ललन सिंह ने बयान दिए हैं कि हिम्मत है तो मुंगेर से चुनाव लड़के दिखा दे अमित शाह जी। देखिए, ललन सिंह जी अब राष्ट्रीय जनता दल की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं, और बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, आगे आने वाला दिन बताया, जब JDU के नेता नीतीश कुमार जी के भी कम है ललन जी अब RJD के ज़्यादा है। यह बात सुनकर किसी को अटपटी लगेगी, लेकिन बात में पता चलेगा, अब JDU कम है, नाम के लिए JDU है, अंदर से अब RJD पूरे तौर पे ललन जी हो गए, वो RJD की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा को छोड़ करके आप भी तो नीतीश कुमार के साथ गए थे, लेकिन आपको क्या मजबूरी हो गया जो नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा? सब पुराना सवाल सब पूछ रहे हैं। बिहार में CBI ED की कार्रवाई बढ़ी अभी है, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, कार्रवाई तो जहाँ भी कोई संस्था है उसको उचित लगता है वहाँ कार्रवाई उनकी संस्था करती है, वो एक अलग विषय है। पॉलिटिकल देखा जाए, अभी पॉलिटिकल देखा जाए इसे? पॉलिटिकल एक जगह शंका होती है लोगों को कि पॉलिटिकल हिसाब से होता है, लेकिन वो तो अलग अलग जगह कहाँ किस तरह की कार्रवाई होती है, सब जगह कोई एक नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई होती है। पटना में महागठबंधन के बैठे हुई हुई भी आपको क्या कहना है? महागठबंधन के में जो बैठक, उसमें तो लालू जी ने संकेत सही लेकिन सारी बात कह दी। लालू जी ने जो कहा है उसके पहले BJP या और लोगों की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा था, उसे बराती लोग हैं, दूल्हा कहाँ है इसमें, लालू जी ने वो साफ कर दिया, राहुल जी दूल्हा हैं, हम लोग बराती, उन्होंने तो साफ साफ बता दिया है। अब बीच में नीतीश जी के लोग सोच रहे हैं या कह रहे हैं, अब उनको सोचना है कि अब इस स्थिति में लोगों का भ्रम दूर हो गया है, अब उनका भ्रम कब दूर होता है, उनका मामला है। क्या नीतीश कुमार PM उम्मीदवार हैं? तो लालू जी ने बता दिया कि कौन PM उम्मीदवार है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने बता दिया, लोकतंत्र में 4 स्तंभ तो माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन पत्रकारों को सिर्फ धमकी मिलती है, इसके संबंध में आपका क्या कहना? लेकिन आज तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया। देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना संभव हो, जिस स्टेज में जिस सरकार की जवाबदेही हो, जरूर करना ही चाहिए। निश्चित रूप से पत्रकारिता ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत जोखिम में अपने को डालकर लोग
जनता के सवालों को, देश के सवालों को उठाते रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस पर होना तो जरूर चाहिए। अच्छा, आपके ही लोकसभा क्षेत्र काराकाट में सेंट्रल स्कूल अंगोरा में जो है सीट की संख्या काफी कम है, जिसके चलते पिछले बार जो है अपने सर पर हाथ रख करके प्रिंसिपल भी सोचने पर मजबूर हो गए थे कि सीट की संख्या है नहीं, आवेदन इतना आ रहा है कि हम एनटीपीसी स्टाफ को भी जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीट बढ़ाने के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीट बढ़ना चाहिए, आवाज तो उठनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। जब आवाज उठाने की जरूरत होगी तो उठाएंगे, सीट तो बढ़नी ठीक। चलो,